I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study. आज हम क्या देख रहे हैं guys? Exercise 5.2 का ये part 2 है. आज ये 5.2 खत्म हो जाएगा और नया लेसन फिर अगले वीडियो लेक्चर में लेसन नंबर 6 हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइस. ठीक है, तो इसे आज हम फिनिश कर लेते हैं. शॉर्ट आंसर टाइप का पहला सवाल क्या बोल रहा है? प्लेस माइनस और प्लस और माइनस साइन इन बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो डिजिट. नॉन जीरो डिजिट मतलब जिसमें जीरो नहीं है, 1 से लेकर 9 तक के नंबर है, ये एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं. इसी सीक्वेंस में लिखना है गाइस, है ना, इसी सीक्वेंस में लिखना है. बस कहीं पर प्लस लगा देना है, कहीं माइनस लगा देना है, और जरूरी नहीं है कि हर नंबर के बीच में कोई साइन लगाना है. जैसे कि यहां पर देखो 7 और 8 के बीच में कोई साइन नहीं लगा, इसको 78 बना दिया. और इस तरह से लिखना है कि इसका आंसर क्या आ जाए, सॉल्व करने पर 100 आ जाए. तो ये सॉल्यूशन इसका ऐसा हमने कर दिया. देखो गाइस, द सीक्वेंस मे बी, इस टाइप का सीक्वेंस हो सकता है. ठीक है, आपके बुक में ये चीज दी हुई है गाइस. अब इसकी कोई ऐसे ट्रिक नहीं है, कोई मेथड नहीं है गाइस. आपको बार बार कर करके आपको चेक करना पड़ेगा कि ऐसा आ रहा है या ऐसा आ रहा है. तो ये कोई बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट चीज भी नहीं है. समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है, तो इसे आप कर लीजिएगा. ओके, ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं हम इसको. ठीक है, देख लीजिए गाइस, ये कैलेंडर वाली चीज मैंने बेसिक के पार्ट टू में आपको समझाई थी. ये सवाल जो है बहुत आसान है गाइस, है ना. अगर बेसिक के वीडियो आपने देखी तो आप ऐसे ही बना लोगे इसको. ठीक है, विदाउट एनी कैलकुलेशन भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, देखो तरीका क्या है. 52 सम है, 4 डिजिट 4 नंबर्स का, जो कि किसी मंथ में आ रहे हैं, है ना. कैलेंडर के किसी मंथ में क्या आ रहे हैं, 4 ऐसी डेट्स है जो स्क्वायर का फॉर्म बना रही, और उसका सम हमें दिया है 52. और हमें पता है कि इस टाइप के जो 4 नंबर जो होते हैं, जो स्क्वायर की शेप में होते हैं, वो उनका सम क्या होता है, 4n+16 होता है. तो 4n+16 की वैल्यू 52 है गाइस. तो इसमें से हम क्या कर देंगे, इस 16 को उधर भेजेंगे, तो यहां से 16 हम माइनस कर देंगे. 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा गाइस, 50 में से आप 14 घटा लीजिए तो 40 आ जाएगा. 40 में से आप 4 घटाएंगे 36, ये सम आ जाएगा 36. और 36 को फिर आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 9 आ जाएगा. तो पहला नंबर आपका क्या आ जाएगा, 9. दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 9+1 यानी कि 10. फिर तीसरा नंबर क्या आएगा, 9+7 यानी कि 16. और लास्ट नंबर आ जाएगा 9+8 यानी कि 17. तो ये 4 नंबर आपके ऐसे ही निकल गए बिना किसी कैलकुलेशन के, 9, 10, 16, 17, आप पीछे देख सकते हो. ठीक है, लेकिन गाइस इसको लिखने का तरीका क्या है, उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बता देता हूँ गाइस, है ना. वी नो चलो आपके बुक में बहुत अच्छी एक लाइन लिखी, वहीं से मैं देख लेता हूँ. ठीक है, और उसे हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं. वी नो एनी 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ स्क्वायर, है ना. वी नो एनी 4 नंबर्स इन कैलेंडर, यहाँ कैलेंडर नहीं लिखा है पर मैं लिख देता हूँ, है ना. वी नो एनी 4 नंबर्स इन कैलेंडर फॉर्मिंग अ स्क्वायर, जो कि एक स्क्वायर बनाते हैं, है ना. n+7 and n+8. ठीक है, ये यहां होते हैं. वेयर n इज द स्मॉलेस्ट नंबर. ओके, ये चीज हमें पता है. द सम ऑफ n+1 + n+7 + n+8, जो कि कितना हो जाता है गाइस, 4n+16 के बराबर होता है. ये सम होता है इज इक्वल टू कितना है, 52. ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस चीज को सॉल्व करना है गाइस. समझ में आ रहा है, इस चीज को आपको सॉल्व करना है. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हमने बताया, यहां से आप लिख दो 4n इज इक्वल टू 52 - 16, कितना आ जाएगा, 36. इसीलिए n इज इक्वल टू 36/4 यानी कि 9. तो l की वैल्यू आपकी 9 आ गई, इसलिए आप ऊपर लिख देना, है ना. मैं बता देता हूँ आप लोग को, वैसे आप इसे कर लेते अगर बेसिक का आपने देखा हुआ है तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं जाती, लेकिन लिखने का एक मेथड कैसा होता है वो भी हमें पता होना चाहिए ना. तो लास्ट 9 में लिख देंगे, इसीलिए द 4 नंबर्स आर क्या हो जाएंगे, 9. और 9 में से एक प्लस, देखो एक तो n हो गया, फिर दूसरा क्या है, n+1 यानी 9+1 यानी कि 10. फिर क्या है, n+7 यानी कि 9+7 कितना हो जाएगा गाइस,
16, फिर क्या है n प्लस 8 यानी 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 70, ये आपका आंसर है। तो बस इतना ही आसान था गाइस, ठीक है, बाकी देख लेते हैं आगे। और अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, बड़ा ही आसान सवाल है। क्या बोला है आपको, तो पहले सम निकालना इन तीन नंबर्स का और फिर क्रॉस चेक करना है आपने जो सम निकाला है वो सही है कि नहीं। अगर बेसिक के लेक्चर देखें तो आपसे बन जाएगा इजीली। कास्टिंग आउट 9 मेथड होती क्या है, डिजिट का हमें सम निकालना होता है, उसे ऐड करना होता है और इसका जो आंसर आ रहा है गाइस इन सबको ऐड करने पे उसके भी डिजिट का हम सम निकालते हैं तो इक्वल होता है। देखो क्या है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे 783 प्लस इसमें ऐड कर देंगे 416 और फिर क्या ऐड करना है इसमें 245 और इन सबको हम ऐड कर देते हैं। 6 और 5 कितना होता है गाइस 11, 12, 13, 14 का 4 कैरी 1, 8, 9, 10, 14, 4 कैरी 1 गाइस 7, 8, 12, 13, 14 ये हो गया 1444। ठीक है, अब हम क्या करने वाले गाइस, हमारा आंसर आ गया 1444, अब इसे चेक करना है तो हम क्या करेंगे इन नंबर्स का हम सम लेंगे, है ना। सम ऑफ डिजिट 783 कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 प्लस 3 यानी कितना, सिंगल नंबर आते तक ऐड करना है, 8, 11 और 7 कितना होता है गाइस 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 होगा कि नहीं, चलो मैं अच्छे से लिख रहा हूँ 7 प्लस 8 प्लस 3 18 होगा, 18 को भी आपको 1 प्लस 8 करना है जो कि क्या हो जाएगा 9, समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पर फाइनली 9 हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है सम ऑफ डिजिट, या डिजिट्स लिखना चाहिए 416 वो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 6 यानी कि 6 और 7 और 4 11 11 हो जाएगा और 11 को भी आप गाइस क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स 245 फिर क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 5 समझ में आ रहा है ना, 9 11 हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1 यानी कि इसका 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे इन तीनों डिजिट का सम लेंगे, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल डिजिट्स यानी कि 9 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ गया 9 11 12 13 13 13 में भी 1 प्लस 3 करके हम क्या निकाल लेंगे 4 निकाल लिए, इसका आंसर क्या निकाल लिए 4। ये आपकी स्टेप 1 थी, ये क्या थी स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 में फाइनली आंसर क्या निकल के आया 4 आया। इसके डिजिट का सम, इसके डिजिट का सम, इसके डिजिट का सम, तीनों डिजिट के सम को ऐड कर दिए मुझे मिल गया 4। ओके, अब हम इसके डिजिट का सम निकालेंगे, अब हम निकालेंगे स्टेप 2 में सम ऑफ डिजिट डिजिट्स 1444 1444 क्या है 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी कि 4 4 बार 13 आ जाएगा तो 13 आपका ये आ गया है। इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 3 यानी कि 4। देखो ये वाला 4 और ये वाला 4 हमें सेम मिल रहा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे हियर स्टेप 1 एंड स्टेप 2 वी फाइंड हियर स्टेप 1 एंड स्टेप 2 वी फाइंड सेम डिजिट, है ना, सेम डिजिट 4, है ना, हैंस आप नीचे लिखना हैंस आर आंसर इज करेक्ट यानी जो हमने इसको सॉल्व करके जो आंसर निकाले ये क्या है करेक्ट है। बस ऐसे ही करना है गाइस, बहुत आसान है, ठीक है, कर लेंगे ना आप लोग, दिख पा रहा है बोर्ड में अच्छे से, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब ऐसे ही करना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है गाइस, मैं आपको बस बता देता हूँ करना कैसे है, आप लिख लेना थोड़ा सा, है ना। देखो क्या करना है, सेपरेट करना है इसमें से इसको, ठीक है गाइस, दिस एंड दिस, सबट्रैक्ट दिस एंड क्रॉस चेक आंसर बाय यूजिंग कास्टिंग आउट मेथड। जब भी सबट्रैक्ट करने की बात आती तो बड़े नंबर में से ये छोटा नंबर सबट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर 6367 माइनस करेंगे 2764 व्हाट विल यू गेट गाइस 7 में से 4 यहाँ पर 3 0 30 में से 7 गया यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें चेक करना है हमने जो किया वो सही है कि नहीं, तो हम ये जो डिजिट है इनका सम लेंगे सॉरी गाइस, है ना, 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 देखो क्या होने वाला है 6 6 12 15
और ये 7, 22 आ गया। तो 22 में भी हम क्या करने वाले हैं, 2 प्लस 2 करेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, 4। ओके, यहाँ कॉमा लगा देता हूँ मैं। ओके, फिर हम इसको देखो क्या करेंगे, 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4, देखो कितना आता है, 6 4 10 हो जाएगा, और ये 17 18 19 हो जाएगा। इस कॉमा लगाते हैं, 19 को भी 1 प्लस 9 लिखते हैं जो कि क्या हो जाएगा, 10। कॉमा लगाते हैं, 10 को भी 1 प्लस 0 लिखते हैं जो कि क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे थे ना, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ में 4 मिला, यहाँ पर 1 मिला ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे गाइस 4 माइनस 1 जो कि क्या हो गया, 3। तो ये स्टेप 1 में हमें क्या मिला, 3 मिला। ठीक है, ओके, अब हम क्या करने वाले गाइस, देखो अब क्या करने वाले, अब ये जो डिजिट है 3 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 3, इसका सम निकालेंगे, जो आंसर है उसका, जो कि क्या मिलेगा, 9 10 12 मिलेगा। क्या मिलेगा, 12। तो 12 को भी 1 प्लस 2 लिख के हम इसको 3 कर सकते हैं। ये आपकी स्टेप 2 थी, क्या थी, स्टेप 2। तो हमने क्या पाया, स्टेप 1 में भी 3 मिल रहा है और स्टेप 2 में भी 3 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने जो सॉल्यूशन किया है वो बिल्कुल सही किया है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। ठीक है, क्लियर तो हो पाया होगा आप लोग को। देखिए गाइस, लॉन्ग आंसर टाइप का पहला सवाल है तो बड़ा ही आसान गाइस। ठीक है ना, देखो क्या करना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना है, इन दो नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लीकेशन के बाद जो इसका प्रोडक्ट निकल के आएगा, है ना, ठीक है, तो आपको ये एक प्रोडक्ट निकल के आएगा, तो आपको चेक करना है कि आपने सही मल्टीप्लाई किया है या नहीं किया है। तो आप क्या करेंगे, 267 फिर मल्टीप्लाई करने वाले 345, और आपको यहाँ कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, अलग से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं गाइस, 267 और मल्टीप्लाई किससे करना है, 345 से। तो पहले 5 से करेंगे तो 35 कैरी आ जाएगा, 3 5 6 30, और ये 333 का 3 कैरी आ जाएगा, 3 5 2 10 और 3 13। ठीक है, हमने 5 से कर लिया, अब हम करेंगे 4 से, 4 7 28 कैरी आ जाएगा, 2 4 6 24 और ये 2 26, यहाँ पर 6 आ जाएगा कैरी, फिर से 2 4 2 8 प्लस 2 10 हो गया। अब हम 3 से करते हैं, 3 7 21 1 कैरी, 2 3 6 18 19 20 0 कैरी, 2 3 2 6 7 8। तो यहाँ टाइम, इसको लॉन्ग आंसर में इसलिए डाला है कि मल्टीप्लाई करने में टाइम लग जाता है, इसलिए यहाँ पर 5 है, 8 प्लस 2 10 11 1 कैरी 1 9 10 11 1 कैरी 1 2 9। तो आपको क्या मिलेगा गाइस, 9 2 1 1 5, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि अब कोई टीचर इसको चेक कैसे करेगा, वो यही कास्टिंग आउट 9 मेथड लगा के कैसे चेक करेगा, वो पता है आप लोग को, डिजिट सम निकाला जाएगा इसका। आप लिख लेना, डिजिट सम ऑफ दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 6 प्लस 7, यानी कि कितना हो जाता है, 15 हो जाता है, कॉमा लगा के 1 प्लस 5 यानी कि 6 हो गया ये। ठीक है, स्टेप 1 है, ठीक है, फिर हम इसका डिजिट सम निकालते हैं गाइस, 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो जाता है, 9 10 12 हो जाता है, कॉमा लगा के 12 को भी 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो जाएगा। नाउ 6 इंटू 3, है ना, ये दोनों का इंटू हुआ है, तो इनके सम, डिजिट सम का भी हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे, जो कि क्या होता है, 18, कॉमा लगा के इसको 1 प्लस 8 यानी कि 9 लिख सकते हैं। आपको क्या मिला, स्टेप 1 में नंबर 9 मिला। ठीक है, नाउ स्टेप 2, स्टेप 2 में हम क्या करने वाले हैं, ये जो आंसर है ना, इसका डिजिट सम करने वाले हैं, 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5, ये भी 9 आना चाहिए, देखते हैं क्या आता है, 9 11 12 13 14, 14 प्लस 5 कितना होता है गाइस, 19 होता है ना, 5 प्लस 6 7 8 9, और ये 9 18, हाँ देखो 18 हो रहा है टोटल, कितना हो रहा है, 18, कॉमा लगा दो, इसको भी 1 प्लस 8 लिख दो, क्या आ गया, 9, मतलब यहाँ से भी 9 यहाँ से भी 9। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी फाइंड द सेम नंबर इन स्टेप 1 एंड 2, हैंस आर सॉल्यूशन इज करेक्ट। बस इतना ही आसान था ना, अब देखते हैं अगला सवाल क्या आएगा, इस आप लिख लेना है सारी चीज़ें।
ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस एक्सरसाइज 5.2 का, पूरे चैप्टर का है ना, लेसन नंबर 5 का, और आसान भी है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड करना इस नंबर को इससे, कुछ आंसर आएगा आपको, कुछ क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को, ठीक है ना। ये आपका डिविडेंड है, ये डिविजर है, आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा, हो सकता है कि आपको कुछ रिमाइंडर भी मिल जाए, ठीक है ना। और फिर आपको ने जो डिवीजन की प्रोसेस किया है वो सही है कि नहीं, इसलिए आपको कास्टिंग आउट नाइन मेथड के थ्रू क्रॉस चेक करना है। तो सबसे पहले हम डिवाइड ही करने वाले हैं गाइस, यहाँ पर 89 को लिख देते हैं और यहाँ पर इस नंबर को लिख देते हैं, कौन सा नंबर है, 19135, ठीक है। 89 में जब भी डिवाइड करेंगे तो 119 तो छोटा हो जाएगा, 191 में ही करना पड़ेगा, तो 2 टाइम अगर हम करेंगे तो ही काम बन पाएगा। तो 2 टाइम करेंगे तो 29 जा 18 की 8 कैरी 1, 28 जा 16 और 1 17 हो जाएगा, 178 आ जाएगा। अब हम इसको माइनस कर देंगे गाइस, 11 में से 8 गया मतलब कि 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना बचा 8, ठीक है, 8 में से 7 गया 1, तो यहाँ पर आ गया आपका 13, ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं 0 बचा। अब यहाँ से हमने क्या निकाला, 13 तो बचा, ठीक है, अब हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे गाइस, यानी 3 ऊपर से हम नीचे ला लेंगे, ये मेथड होता है, ठीक है। अब 89 से एक बार में ही दो बार में तो 178 हो जाएगा, ये तो 133, इसलिए एक ही बार डिवाइड करेंगे गाइस, तो यहाँ पर ये 89 आ जाएगा, इसको फिर से सबट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग, 13 में से आप 9 10 11 12 13 यहाँ पर 4 बचता है, और यहाँ 12 में से 8 गया तो यहाँ पर भी 4 बचता है, ठीक है। फिर से हम इस 5 को नीचे ला लेते हैं गाइस और ये डिवीजन प्रोसीजर करते हैं, 89 से हम डिवाइड करने वाले हैं, तो यहाँ पर 4 टाइम करके देख लेते हैं गाइस, 4 टाइम में काम हो सकता है, 178 का 2 टाइम हो जाएगा, तो 5 टाइम करके देखते हैं, ठीक है, 5 टाइम करके देखो, 59 जा 45 का 5 कैरी 4, 58 जा 40 प्लस 4 44, हाँ तो ये पूरा चला गया, आपका रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं बचा, 000 बचा, ठीक है, रिमाइंडर आपका क्या बचा गाइस, 000, यानी पूरा डिवाइड हो गया ये नंबर। तो हमारा कोसेंट क्या मिला, 215, डिवीजर क्या था, ये था। अब हम यहाँ पर लिखेंगे वीनू क्या नो, डिवीजर इंटू कोसेंट है ना, डिवीजर इंटू कोसेंट इज इक्वल टू डिविडेंड, अगर रिमाइंडर बचता तो कुछ यहाँ प्लस भी हो जाता है, अभी तो ये कंडीशन है, इसीलिए डिजिट सम है ना, डिजिट सम ऑफ डिवीजर लेना पड़ेगा है ना, डिजिट सम ऑफ डिवीजर, कितना है डिवीजर का डिजिट सम बताओ मुझे, 89 है ना, तो 8 प्लस 9 कितना हो जाता है, 17 हो जाता है, 17 में आप इसको 1 प्लस 7 करो कितना हो जाता है 8, तो यहाँ पर हमें डिजिट सम मिला डिवीजर का 8, ठीक है, सबको डिजिट सम में लिखना है। कोसेंट का डिजिट सम क्या है, कोसेंट आपका है 215, तो यहाँ हम लिखेंगे डिजिट सम ऑफ कोसेंट क्या हो जाएगा आपका, 2 प्लस 1 प्लस 5, यानी कि 5 और 6 7 8, ये हो गया आपका 8, ठीक है। डिजिट सम डिवीजर का भी मिल गया, डिजिट सम कोसेंट का भी मिल गया, अब हम क्या करेंगे गाइस, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवीजर इंटू कोसेंट तभी तो डिविडेंड मिलेगा ना, हाँ, इसलिए हम क्या करेंगे डिवीजर, इसीलिए 8 इंटू यहाँ पर 8 कर देंगे, डिजिट सम जो है डिवीजर का ये इसका और इसका, तो 8 जा कितना होता है 64, और इसका भी डिजिट सम निकालेंगे 6 प्लस 4 क्या होता है 10, और इसको भी आगे हम 10 को क्या लिख देंगे गाइस, कॉमा लगा के 1 प्लस 0 यानी कि 1, फाइनल नंबर मुझे क्या मिला 1 मिला, जब मैंने इसके डिजिट सम और इसके डिजिट सम का आपस में मल्टीप्लाई करके जो डिजिट सम निकाला 1 मिला। अब डिविडेंड का भी डिजिट सम मुझे 1 मिलना चाहिए, ये स्टेप 1 थी गाइस, यहाँ मुझे 1 मिला। अब स्टेप 2 हम क्या निकालेंगे डिजिट सम ऑफ क्या है आपका डिविडेंड, 191335 डिविडेंड लिख देता हूँ मैं, डिविडेंड क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 9 9 18 19 कितना हो जाएगा 19, यानी कि 19, इसका भी डिजिट सम 1 प्लस 9 यानी कि 10, इसका भी डिजिट सम 1 प्लस 0 यानी कि 1। तो यहाँ पर से हमें क्या पता चलता है गाइस, हम यहाँ लिखेंगे वी फाइंड
वी फाइंड द सेम नंबर, द सेम नंबर इन स्टेप वन एंड टू. इसलिए आर हैंस, आप लिखना हैंस, हैंस आर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज करेक्ट. लिख पाएंगे ना? ठीक है, ऐसे ही करना है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है. और यहाँ डिविजर, कोसेंट और डिविडेंड के जगह आपको डिजिट सम रख के सॉल्व करना है. ठीक है, यहाँ भी डिविजर का डिजिट सम रखा मैंने, कोसेंट का डिजिट सम रखा, दोनों का मल्टीप्लाई किया, 8 और 8 का मुझे कितना मिला 16, और उसका भी डिजिट सम निकाला तो मुझे फाइनली 1 मिला. ठीक है, इधर से 1 मिला. अब डिविडेंड मुझे कितना मिला है, डिविडेंड इतना है, इसको इसका डिजिट सम भी देखो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिविडेंड के बराबर है तो डिविडेंड के डिजिट सम के बराबर आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 मिला, यहाँ पर भी 1, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो गया. तो खत्म है आप, है ना, लेसन नंबर 5 खत्म हो गया. तो हम अगले वीडियो लेक्चर में लेसन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ठीक है, तो इसका पूरा बेसिक पहले आपको बताया जाएगा अगले चैप्टर का, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, फिर सारी चीज़ें हम जैसे अभी तक करते आए कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच माई डियर स्टूडेंट्स.